नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः रीजनिंग के सीरीज रीजनिंग के एक जो हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक्स, है ना। तो कल जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने सीरीज को खत्म कर दिया था, ठीक है। सीरीज दो पार्ट में आया हुआ है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक तरह से कंपाइल्ड है, अब उससे आप उस तरीके से लगाएं ना लगाएं, अपने तरीके से लगाएं वो अलग बात है, बस वहां पर एक कंपाइल्ड क्वेश्चन है तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। या फिर रिविजन कर सकते हैं दो पार लगा करके, ठीक है। ये उद्देश्य है एक तरह से कि आपको एक तरह से कंपाइल्ड वे में मिल जाए आपको क्वेश्चन। तो उसी ही श्रृंखला में एक तरह से आगे बढ़ते हुए आज हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर मतलब कि लिया है। तो इसमें भी कोशिश करेंगे इस पार्ट में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन कर लें, देखते हैं जैसा होता है उतने, अगर जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी वीडियो की। 26-27 को पेपर है, तो अब 28-29 दिन ही मानिए, एक तरह से 28 दिन ही मानिए बचे हैं, ठीक है। तो करते रहिए तैयारी रेगुलर, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज जो हम लोग पहला क्वेश्चन है अपना वो शुरू करते हैं। एक सेकंड भैया, देखें सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं। चलिए सब कुछ सही है। चलिए जो पहला क्वेश्चन है अपना वो अब देखिए, आज मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको कब अगर आपको नंबरिंग याद है अल्फाबेट की, ठीक है, और पहले रोक करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर आंसर देखिएगा या फिर अपने तरीके से लगाइएगा, या सॉल्यूशन देख लीजिएगा अगर आप बुक होगी आपके पास तो, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए अपने मन से लगाने का। देखिए पहले एस है ना, एस का क्या है 19, आप बोलिए एक बार मन में बोलिए। टी का कितना है 20, सी का कितना है 3, डी का 4, एच का 8, आई का 9, देख रहे हैं प्लस 1 है ना, प्लस 1 ऐसे तरह हो रहा है ना। अब सिंपल आ जाए इस पर देख लीजिए। अब देखिए ई का क्या है 5, तो ये कितना है 6, है ना। इस तरह से देखिए ये 12, ये 13, ये 14, ये 5, ये 6, तो एक ही करके बढ़ता गया। अब डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स, तो एक्स तीनों में ये काट दीजिए। ओ के बाद एम एन ओ पी, एक्स के बाद पी, देखिए ये काट दीजिए, ये दोनों बचे हैं। अब ओ इसमें पता चल जाएगा एन ओ, ठीक है, ओ यानी ये कैंसिल हो गया, ये डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए। ए को अगर 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में, मतलब अल्फाबेट की नंबरिंग उल्टी कर दी इन लोगों ने, है ना, और सी को 24 के रूप में, जेड को 1, है ना, उल्टा कर दिया इन लोगों ने, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा। अच्छा एक चीज यहाँ देखिएगा जरा, अगर हम लोग जैसे ए बी सी डी लिखते हैं यहाँ पर, तो एम कितने पर आता है 13 पर, और यहाँ से अगर हम लोग जेड से शुरू करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में एन आता है ना, तो एन कितने पर आएगा 13 पर, और एन के बाद अगर हम एम शुरू करेंगे तो कितने पर आएगा 14 पर, ठीक है। तो एम पहला है, तो अब देखिए 14 किस पे आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में है डी। यहाँ देखिए समझिए दोबारा, तो क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि अगर ए से शुरू करते हैं हम लोग तो एम कितने पर आता है 13 पर आता है ना, 13 13 करके करते हैं काउंटिंग हम लोग। लेकिन अगर ये हम लोग जेड से शुरू करते हैं उल्टा से, जेड वाई है ना, एक्स डब्ल्यू वी यू है ना, टी एस क्यू नहीं आर आर क्यू है ना, एम एन ओ पी क्यू ओ एन, अब क्या ये 14 पे आएगा ना। फिर यहां से हम लोग एम शुरू कर देते थे, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, या एम शुरू कर देते, ये 13 आता था लास्ट पे। तो अगर हम लोग यहाँ से 1 2 3 करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 13 पे आएगा ना, ये 13 पे आ जाएगा इधर से करेंगे तो, फिर ये 14 पर और ये 26 पर, ठीक है। तो ये 14 एम, 14 एम का पूछा है, तो एम 14 सिर्फ एक ही में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक्टिव इज कोडेड एज ई डी यू, ठीक है। अब देखिए ए का क्या हो गया है ई हो गया है, सी का क्या हो गया है डी हो गया है, सी का यू, आई का जे, वी का डब्ल्यू, ई का ए, ठीक है। मतलब अच्छा ये देखिए ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, बाकी ये प्लस वन हो रहा है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं फर्स्ट लास्ट वाले, बाकी सारे में प्लस वन हो रहा है, तो ऐसे ही कर लीजिए इसमें भी। इफेक्ट वाले में पहले क्या हो जाएगा, टी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, टी और ई, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, एफ एफ, तो प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी जी, छः छः है ना इसका, तो सात सात आ जाएगा, जी, देखिए बी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब क्वेश्चन को लगाने में मजा आ रहा होगा, अगर आप पहला सीरीज का दोनों पार्ट देखा रखा है आपने, तो वहां भी हम लोगों ने अल्फाबेट वाला
भले ही सीरीज था लेकिन हम लोग को नंबरिंग याद हो गई थी तरह से प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में। नॉर्मल को आर पी इसमें मतलब कि इसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग गैदर को किस तरह से करेंगे। अब देखिए इसी नंबर में ही चेंज किया हुआ, इसी अल्फाबेट में ही इधर उधर किया हुआ है। ठीक है, जैसे अच्छा नहीं, इसमें वही चेंज ही किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बी आया हुआ है ना। देखिए एन एन कितने पर है, 16 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, ठीक है, और आर आर जो है आर 18 पर, तो एन 14 पर, एम 13 पर, तो एल 12 पर, ए 1 पर, तो ये 2 पर, और एल 12 पर, तो ये 13 पर। ठीक है, तो 16 2 18, 15 1 16, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1, अब 18 प्लस 4, 18 माइनस 4, माइनस चार, ठीक है, और 13 माइनस 1, फिर प्लस 1। अच्छा देखिए इसको दोबारा देखिए, यहाँ से थोड़ा ऐसा हो गया ना ये। ये देखिए एन ओ आर एम ए एल है ना, आर पी एन एल बी एम। ठीक है, अब यहाँ देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए एन का क्या हो गया है, ये 16 पर, ये 14 पर है, एन 14 पर, ये कितने पर है, 18 पर, ये कितने पर है, 15 पर, ये 16 पर, ये 18 पर, ये 14 पर, ये 13 पर, ये 12 पर, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 12 पर, ये 13 पर। ठीक है, अच्छा, सिंपल। ये देखिए 14 14 18 18, 13 13 12 12, प्लस 1 प्लस 1, समझ में आया है? ठीक है, अब ऐसे ही गैदर कर लीजिए, जी ए टी एच ई आर। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सचेंज कर लीजिए यहाँ पर, इसको एक्सचेंज कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, टी जी आर एच, अब टी में +1 कर दीजिए कितना आ जाएगा, आर एस टी यू। ठीक है, नहीं टी में नहीं, सॉरी टी में नहीं, ए में यहाँ प्लस करिए बी आ जाएगा, ई में करिए यहाँ पर एफ आ जाएगा, टी बी जी आर एफ एच, टी बी जी आर एफ एच। देखिए ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया था इसलिए टाइम लग गया इसमें, है ना, वरना सिंपल ही था क्वेश्चन ये। चलिए अल्फाबेट्स वाले में यही होते हैं, रिवर्स, ये तो आगे की तरफ होगा या रिवर्स होगा या तो ऐसे पैटर्न बनेगा, है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर। देखिए अब यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया पहले से, देखिए अगर नहीं भी किया होता तब भी देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट था, यहाँ पर ईट लिखा हुआ है जो बुक आई है, लेकिन यहाँ पर कैट होगा। ठीक है, कैट होगा यहाँ पर। चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, विच वर्ड मीन्स रैगिंग, पहले हम छांट लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, स्पोर्ट के मीन्स बिग कैट, यहाँ स्पोर्ट के मीन्स लायन ईट। ठीक है, और फिर पीट स्कोट की मीन रैगिंग कैट। देखिए अब ये कैट और कैट दो चीजें मिली आपको, कैट और कैट दो चीजें मिली ना, तो इस लाइन में मिली है और इस लाइन में मिली है। अब इस लाइन देखिए कैट दो कॉमन हो गया, तो अब बाकी इनमें क्या कॉमन है, ये देखिए यू, ये देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है, कॉमन हो गया मतलब कैट की मीनिंग ये हो गई। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जब कैट की मीनिंग हो गई मतलब बिग मतलब ये हो गया है ना, और पीट मतलब रैगिंग हो गया, और पूछा किसका है, रैगिंग का, देखिए पीट हो जाएगा ऑप्शन, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है ना, ऐसे ही छांट लेना है कि दोनों लाइनों में कॉमन क्या है। अब कॉमन है तो जब इन दोनों में ये इधर वाले में मींस में कॉमन हो गया मतलब वाले में, तो देखना है जैसे ये कॉमन है, तब रैगिंग में कैट कॉमन हो गया तो पीट का हो गया रैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब यहां देखिए उसी तरह से, जैसे देखिए अब इस कोड का मतलब क्या है, बोर्ड वॉक है ना, पूछा क्या है पहले, वॉक वॉक वे पूछा है। ठीक है, और दो लाइन अच्छा तीन लाइनें दिया हुआ है, तीन सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए इस कोड का मतलब है कप बोर्ड और इसका मतलब है बोर्ड वॉक। ठीक है, अब देखिए कहीं भी मतलब वे नहीं दिया हुआ है,
वे का मतलब वे का कोड कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हमें वॉक मिल जाएगा तब भी हो जाएगा। अब देखिए पहले दो लाइन में कॉमन क्या है, बोर्ड कॉमन है, ठीक है। जब बोर्ड कॉमन है जरूर क्या कॉमन है, ये देखिए लसान, लसान दोनों में कॉमन है, मतलब लसान का क्या हो गया बोर्ड, अब कप का क्या हो गया माइगेन, है ना, और वॉक का पोएन, ठीक है। तो वॉक पोएन हो गया, अब देखिए वॉक दिया हुआ है यानी पोएन से स्टार्ट होगा ऑप्शन में, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, मतलब इन दोनों में कोई हो सकता है, तो क्या माइगेन होगा, पोएन माइगेन, क्योंकि माइगेन का मतलब क्या होता है, माइगेन में तो कप है, तो वॉक कप तो है नहीं, अब वे होगा, अब वे का दिया नहीं है यहाँ पर, मतलब माइगेन तो नहीं होगा, तो ये फॉर्क का जो दे रखा है वो हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो हो सकता है पूछा है ना, तो पॉइंट फॉक समझ में आ गया ना, दो चीजों में कॉमन ढूंढ करके उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, काट लीजिए मतलब। चलिए तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए अब रजिस्ट्रेशन को यहां देखिए, रजिस्ट्रेशन को इस कोड में चेंज कर दिया गया, तो उसी भाषा में कैंप फायर को किस तरह से चेंज होगा ये, देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे चेंज हुआ है, देखिए ये आर ई, ये देखिए आर ई जी आई एस, आर ई जी आई एस टी, मतलब ये इतना जो है इतना यहां से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आर ए टी आई ओ एन, मतलब और ये वाला यहां रिपीट हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए ऐसे इसको कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 4 बांट लीजिए इसको, 4 मतलब ये इतना, तो पी एम ए सी ई आर आई एफ, पी एम ए सी, पी एम ए सी बस बी में ही है, पी से स्टार्ट, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, 7वें का, ठीक है। 8वां देखिए, एक निश्चित भाषा में ट्रू को क्या लिखा गया है, 1759 लिखा गया है, टिक को, अच्छा देखिए जब तीन चार दे रखा होता है ना ऐसे कोड वाला कि इसमें इसको लिखा गया है, तो मतलब ये अल्फाबेट्स की नंबरिंग नहीं है, मतलब वो इस स्पेशल केस में हुआ नंबर, टी का 1 दे रखा है, आर का 7 दे रखा है, यू का 5 दे रखा है, ई का 9 दे रखा है, इस तरह से होता है। अच्छा जैसे किचन का निकालना है हमें, तो के ढूंढिए कहां पर है, के यहां पर है, देखिए 4, तो 4, अच्छा पूछा क्या है, किचन के पहले अंक का, पहले किचन के लिए पहला अंक क्या होगा, 4 होगा, के का 4 है, क्योंकि देखिए किक का क्या है, 4 3 8 4, के है ना दोनों में, तो 4 4 हो गया, इसलिए किचन का भी पहला अंक क्या होगा, 4, ठीक है। तो बी डी विल बी योर राइट आंसर, कुछ नहीं था इसमें, नेक्स्ट आइए फटाफट। अब देखिए इसमें क्या किया गया, अल्फा, अल्फा ए का क्या किया गया है, जैसे 1 का 1 है, का 12 है इसका, अच्छा, इसमें देखिए क्या किया गया है, पहले लगा लीजिए, है ना, क्वेश्चन से मजा आ रहा है कि नहीं आपको ये बताइए, पहले आ रहा है ना, ठीक है। अब इसको लगाइए आप, कुछ नहीं है इसमें, अब देखिए लगा लिया हो तो सोल्यूशन देखिए मेरा, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया, जैसे 1 है यहाँ पर, तो इसको 0 1 लिखा गया, सिंगल डिजिट वाले को 0 लगा के लिखा गया है, और 1 सब में कॉमन है, 0 1, ठीक है। अब एल के लिए 1 तो कॉमन है, एल का 12 है, ठीक है, फिर 1 कॉमन है सब में, तो पी का 16 है, यहाँ का पी का 16 है ना, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब एच का देखिए, एच कॉमन हो जाएगा 8, तो 1 कॉमन है, 0 8, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे किसका, बेटा का। अब देखिए बी 1 तो कॉमन है, बी का क्या होता है 2, तो 0 2, ई 1 कॉमन है, ई का 0 5, ठीक है। डॉट यहाँ देखिए, यहाँ मैं आ रहा हूँ ना, देखिए बी का क्या था 0 2, ई का 0 5, ठीक है। इसी तरह टी का 1 तो कॉमन हो गया ना सब में, टी का क्या होता है 20, तो इसको 20 लिख देंगे क्योंकि 2 डिजिट ऑलरेडी है उसमें, 2 अंक है ना उसमें। देखिए अब ए 1 कॉमन है, ए का 1 होता है तो 0 1 हो जाएगा, 100 105 120 101, 102 105 120 101, ये देखिए सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए रोज को किसमें पुट किया गया है, 3 8 5 6, देखिए यहां भी देखा 1 दे रखा है, 2 3 दे रखे हैं इसे, मतलब क्या है, इसमें स्पेशल यहीं पर कोडिंग की गई है उन लेटर्स की, ठीक है। अब देखिए एस का कोड क्या है, एस का है 5 5, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब इन दोनों में बचा कोई, 5 6 5 6 दोनों में कॉमन है, तो हम एस ई ना सर्च करके ए सर्च करेंगे, ए का क्या हो जाएगा, चेयर, 3 नंबर पर 7 है यहाँ पर, चेयर का है ना, इसमें 7 है ना, तो देखिए 5 6 7, तो डी विल बी योर राइट आंसर, सिंपल है ये तो। चलिए देखते रहिए कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। अब देखिए कंप्यूटरों को लिखा जाता है इस तरह से, तो इसी तरह से एडवांटेजेस को किस तरह से लिखा जाएगा, तो कंप्यूटरों तो क्या किया गया है, देखिए पी एम सी ओ, पी एम ओ सी, यहां से देखिए उल्टा कर दिया गया है इसको, यहां से
उल्टा कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या किया गया है, फिर R O N E, अब इसको फिर उल्टा किया गया है, मतलब इन दोनों को, अच्छा, देखिए, चार का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर चार का पेयर बनाया गया है। इसी तरह यहां हम भी बनाएंगे, चार का पेयर, फिर दो का पेयर, फिर चार का पेयर, मतलब हम कैसे लिखेंगे, देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए, ये भी कलर दिख रहा, ये भी कलर दिखेगा आपको, ये ले लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, ये चार का पेयर है ना अपना, तो पहले A V D A, ये हो गया चार का पेयर। अब ये दो वाला पेयर, ये दो क्या हो जाएगा, T N। अब उसके बाद ये, हालांकि आंसर इसी में आ गया है, लेकिन लिख लीजिए पूरा, ठीक है। इसको उल्टा लिखिए, SEGA, ठीक है। अब देखिए एडवांट, एडवांट कहाँ तक है, एडवांट, एडवांट, अरे यार सीधे देखिए, AVDAT, AVDAT है ना। उसके बाद N है यहाँ, लेकिन A है तो ये कैंसिल हो गया। अब बाकी में A तो स्टार्ट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, B आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन को इस तरह से लिखा गया, तो उसी तरह से इसको किस कोड में लिखा जाएगा, प्रोडक्शन को इस कोड में लिखा गया है, तो नेक्स्ट ये ओरिएंटेशन को इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए P कितने पर है, 16 पर, यही बात है, देखिए P कितने पर है, 16 पर, R 18 पर, O 15 पर, D 4 पर, U 21 पर, ठीक है, C 3 पर, ये देखिए Q 17 पर, Q 17 पर, मतलब +1 माइनस वन है ना, 16 प्लस 1 17, 18 माइनस 1 17, 15 फिर 16, ये है क्या किया गया है, +1 -1 फिर +1, ठीक है। इसको कर लेते हैं देखिए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जैसे +1 -1 +1, पूरा एक सीरीज नहीं चला है, इसमें एक जगह +2 भी किया गया है। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए P R O D U C T I O N S, ठीक है। अब देखिए Q Q P C V E U H P M T, अभी देखिएगा, पहले देखो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं उसको, मतलब मेरे पीछे से नहीं आ रहा है, नहीं ठीक, काफी ऊपर है। चलिए अब देखिएगा, कलर चेंज कर लेते ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। यहाँ देखिए क्या क्या है, ये कितना है, P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, तो +1, 18 17, -1, O 15, P 16, +1, 4 3, -1, 21 22, +1, C कितने पर आता है, 3 पर, ये कितने पर आता है, 5 पर, यहाँ कितना किया गया है, +2 किया गया है, फिर 20 21 9 8 15 16, मतलब फिर क्या है, +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। अब इसी सीरीज हम लोग ये करेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 2 2 4 1 5, छठे नंबर पर +2 हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर 2 2 4 1 5, छठे नंबर क्या हुआ है, +2 हुआ है, तो इसका लिख ही लेते हैं। देखिए मतलब ये याद रखिएगा, टी में +2 करना है हमको, बाकी हम लोग चलेंगे +1 -1 से। ओ में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, MNO P, P सब में है, R में -1, Q 17 पे आता है ना, R 18 पर है, ना कंफ्यूज होंगे है ना, लिख के करिए, जो लोग कर लेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है आपके पास, बढ़ा के आगे बढ़ जाइए आप। ठीक है, देखिए O R I E N T A T I O N, देखिए +1, याद रखिएगा T पर हमें क्या करना है, +2 करना है, +1 क्या हो जाएगा, O P, -1 Q, +1 I J, P Q J, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दोनों बचे हैं, D O, तो ये यहाँ पर क्या कर लेंगे, D O कर लेंगे, दोनों ऑप्शन में है, मतलब ये -1 +1, अब ये +2 करेंगे, T +2 यानी 22 यानी V। अब देखिए यहाँ U दे रखा है, यानी +1 किया है, यानी A ऑप्शन सही जाएगा, +2 करेंगे ना हम छठे नंबर पर, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, थोड़ा तो फास्ट कर दिया ना, बहुत टाइम चला गया इसमें। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं इसमें, मोहू
रप्ट NYRK मीन्स इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, और मोहू ट्रेव जैक मीन्स टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैक, देखिए जैक कॉमन मिल गया, मोहू भी कॉमन था। जैक लिज मीन एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन कॉमन मिल गया है ना, एग्जामिनेशन दोनों में है ना, और जैक दोनों में है, ठीक, एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ठीक है, और क्या है अगला, एक है टॉज रप्ट, रप्ट देखिए पहले वाले में था, मीन्स इंटेलिजेंट आंसर, इंटेलिजेंट का मिल गया आंसर। ठीक है, अब देखिए हम ढूंढते हैं, पूछा क्या क्वेश्चन में, तो कैंडिडेट का प्रश्न उत्तर, अच्छा व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन दैट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर, हमें खोजना है क्वेश्चन एंड आंसर का, यानी प्रश्न और उत्तर का हमें किस कोड में लिखा जाएगा ये ढूंढना है। है तो क्या मिल गया हमें, जैक मतलब एग्जामिनेशन। अब जब इसमें जैक एग्जामिनेशन हो गया है तो क्या बना, लाइज, लाइज मतलब क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन एंड आंसर है ना, तो हमें लाइज मिल गया पहली बात तो। ठीक है, अब देखिए इंटेलिजेंट मिला था हमें यहां पर, रप्ट है ना यहां पर, और इसमें भी इंटेलिजेंट है, तो रप्ट यहां भी देखिए रप्ट है और इंटेलिजेंट है, मतलब रप्ट का इंटेलिजेंट हो गया, तो इंटेलिजेंट आंसर था ना यहां पर, इंटेलिजेंट आंसर ये देखिए ना, इंटेलिजेंट आंसर। ठीक है, तो जब रप्ट इंटेलिजेंट का हो गया तो SBJ किसका हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा, SBJ यानी लाइज SBJ। एंड और है यानी मोहू, यहां पर देखिए जब, यहां देखिए मोहू यहां भी है, मोहू यहां भी है, और एंड यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, तो मोहू किसका हो गया, एंड का, तो मोहू यानी मोहू लाइज SBJ है ना, मिल गया। ये देखिए मोहू लाइज स्टॉज, मतलब SBJ पढ़ रहा हूं मैं, स्टॉज है, ठीक है, स्टॉज है, स्टॉज, ठीक है, ए ऑप्शन मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट आइए, ठीक कितना टाइम हो गया, तो फास्ट करना पड़ेगा हमें, है ना, अभी कितने नंबर पे हम लोग, 14 नंबर पे हैं, फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए देखिए ये क्या है, डी, अच्छा इसमें देखिए अभी इसमें भी वो किया है, डी AMSEL है ना, तो ADLMS, ये देखिए ठीक -3, ठीक अच्छा देखिएगा जरा, 4-1, अच्छा इसमें ये वो वाला है सवाल है, देखिए इसमें क्या किया गया है, जैसे इसको मिटाइए मत, DAMSEL है ना, सब पोजिशनिंग करिए पहले, नंबरिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, और इसमें क्या किया गया है, थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, नॉर्मल सोच नहीं पाएंगे जनरली, इसमें क्या किया गया है, अब दिन नंबरिंग कर दी गई है पहले वाले की, अब ये देखा गया है कि किन दो अल्फाबेट्स की नंबरिंग का सम 7 हो रहा है, तो उसको साथ साथ में लिखा गया है, जैसे देखिए पहले क्या हो जाएगा, 6, 1, 7 नहीं, 3, 2 कितना हो जाएगा, 5, 2, 7 है ना, 5 और 2 7, मतलब 2 + 5 इक्वल टू 7, मतलब 2, 5 किसका है, ए और ई का, देखिए ए पर 2 है, 5 पर ई है, ठीक है, ए ई पहले आ गया, अब क्या किया गया है, डी एल मतलब 1 और 6 को जोड़ा गया है, 1 + 6 = 7, तो क्या हो जाएगा, डी एल, अब एम एस को,
एम कितने पर है, 3 पर, एस कितने पर, 4 पर, तो 4 3 7, अब एम एस को लिया गया है। अब इसी तरह देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी करिए, 1 2 3 4 5 6, तो पहले किसको लेना है, 2 और 5 को, तो ए और यू हो जाएगा, ए यू। देखिए ए यू किसमें है, ए यू सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में है, ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा हटके क्वेश्चन था ये, तो जनरली सोच नहीं पाता है व्यक्ति इतना, ठीक है, तो उस लेवल से ले सकते हैं आप 14। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वुमेन, वुमेन क्या किया गया है, ये देखिए वुमेन, ओ डब्ल्यू एम एन ई, है ना, तो ऐसे किया गया है ना, क्रॉस, सीधा क्रॉस। अब देखिए इसी को नोट्स, मतलब ये टी है, तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ओ एन टी एस ई, ओ एन टी एस ई, सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कभी ऐसे होता है, कभी फॉरवर्ड, कभी रिवर्स, और कभी कभी इस तरह से ही बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, तो 16 नंबर में क्या किया गया, देखिए एस एस एक मिनट में जरा इसको, हाँ एस हो गया, के ई डब्ल्यू, यहाँ पर पी ओ सी वाई, तो एस कितने पर है, तो इसको नीचे लिख देता है, पी ओ सी वाई। ठीक है, ट्राई करते रहिए इसको, है ना, एस कितने पर है, 19 पर, पी 16 पर, यानी प्लस के 3, है ना, के कितने पर है, 11 पर, ये 15 पर, यानी प्लस के 4, पी कितने पर, 5 पर, ये -2। ठीक है, ये 23 पर है, ये 25 पर, यानी +2। ठीक है, अब देखिए इसी सीरीज पर क्या पूछा गया, उसी कोड भाषा में के अनुरूप कौन सा शब्द लिखा जाएगा, मतलब किस शब्द को इस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए अगर यहां पर जे वाई क्यू वी है, और यहां पर +3 होके जे आया है, +4 होके वाई आया है, -2 होकर के सी आया है, क्यू आया है, और +2 होकर के V आया है, तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अगर ये 10 पर है तो यहाँ 7, यानी 10 3 13, M M कहीं बनेगा ना, ये अच्छा ये उल्टा बनाए, उल्टा करेंगे ना इसको, अच्छा उल्टा कर दीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब देखिए एम में से -10 करेंगे, -3 करेंगे, कितना जाएगा, जे आ जाएगा, है ना, एम कितने में, किसी एक में है, एक में है सिर्फ। अब देखिए इसमें तो किसमें, +4 करेंगे तो ये 25 पे है ना, 21 4 25, यानी यू 21 4 25। ठीक है, अब -2 करेंगे, क्यू आ जाएगा, क्यू 17 पर है, तो 19 में से 2 घटाएंगे, 17 आ जाएगा, यानी एस, एस 19 पर आता है एस। अब किसमें से, ये 22 पे है, तो टी प्लस दो मतलब 20 प्लस 2 22, यानी वी। ठीक है, तो मस्ट को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, जिस 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 सीक्वेंस में या जिस कोडिंग में इन दोनों को लिखा गया है, इसको इससे कन्वर्ट किया गया है, उसी कोडिंग में हम लोग मस्ट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जनरली जब पहली बार करेंगे तो इसमें कोड मतलब मिलेगा ना कि हाँ कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा है, तो फिर उसी हिसाब से करके देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, मोबिलिटी, देखिए इसमें क्या किया गया है, एम कितने पर आता है, 13 पर, तो 13 प्लस 1, 1 प्लस 3 कितना किया गया, 4, तो देखिए 4 लिख दिया गया पहले, फिर ओ कितने पर है, 15 पर, तो 1 प्लस 5 = 6, तो देखिए 6 लिख दिया गया है। ऐसे ही बी, बी को 2 लिख दिया गया है, आई को 9 लिख दिया गया है, एल को, एल 12 पाता है, 1 2 3, 3 लिख दिया गया, इसी तरह हम लोग इसको लिखेंगे। ई कितने पर है, 5 पर, एस कितने पर है, 24 पर, 24 2 24 4 2 6, अब देखिए 5 और 6 किसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें, सी, सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब देखिए ग्रेस्प, ग्रेस्प को इसमें लिखा गया, देखिए जी लाल, हाँ ठीक लगता है ना, जी आर ए एस पी, तो आई एन ओ पी क्यू, अब देखिए 7 9 18 24,
नहीं 14 है ना, ए 1 पर है, ये 15 पर है, ए आई ओ, ये कितने पर है, 19 पर, तो ये कितने पर है 16 पर, ये 16 पर है तो ये 17 पर है। देखिए प्लस के 2 माइनस 4 और ये तो सीधे प्लस 14 हो गया है, ये माइनस 3 प्लस 1, इसमें सीक्वेंस क्या बैठ रहा है? अरे गुरु जी यही गलती होती है, देखिए हमसे भी वही गलती हुई थी। देखिए 2 दे रखे हैं ना इसमें, तो मतलब क्या है यहाँ पर स्पेशल कोडिंग की गई है, हम लोग ढूंढने बैठ गए, मतलब मैं ढूंढने बैठ गया। चलिए देखिए स्पैरो क्या है, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, देखिए एस का पी हो जाएगा, पी ठीक है, उसके बाद यहां पर पी का क्या हो जाएगा, पी का क्यू हो जाएगा, क्यू पी क्यू है किसी में, ये देखिए डी, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसमें इसी में दिया गया है कि जी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, ठीक है इसी में दिया गया है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब देखिए किसी कूट भाषा में एक दो तीन का अर्थ है, 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है, और 3 5 6, देखिए 3 3 कॉमन आ रहा है यहां पर, अब देखिए इसमें क्या मतलब है, 3 5 6 का मतलब क्या, वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे, अब हॉट हॉट हो गया ना दोनों में, यानी 3 का मतलब क्या हो गया हॉट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 5 8 9 का मतलब क्या है, डे एंड नाइट डे, देखिए 5 यहां पर ही है, डे यहां भी है, डे यहां भी है, 5 यहां भी है, डे एंड नाइट, तो अगर डे 5 हो गया और हॉट 3 हो गया तो वेरी का क्या हो जाएगा 6, पूछा किसका है, वेरी को कैसे कोड किया जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, लिख करके कॉमन देखिए अलग करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए मिल्टन, अच्छा मिल्टन को इस तरह लिखा गया है, ये देखिए इस तरह लिखा गया है इसको, मिलियन को सॉरी, मिलियन को ऐसे से किया गया है, दो दो चार दो छह सात है ना, और एन को वैसे ही कर दिया गया है। चलिए देखिए देखते हैं इसको भी मिला के मिलता है क्या, एच आई एल टी ओ एन है ना, तो इसको ऐसे ऐसे, ये तो मतलब उसको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, तो आई एच टी एल एन ओ, आई एच टी एल एन ओ, ये देखिए बी, बी विल बी योर राइट आंसर। यहां पर क्या किया गया था, सेम किया गया लेकिन एन वाले को वहीं पर वापस पटक दिया गया उठा करके, ये देखिए सेम सेम, बाकी ये दोनों एक्सचेंज हो गए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है, अभी तक आपने क्या क्या देखा था, ये देख लिया है ना, ये देख लिया, अब ये भी देख लीजिएगा ये वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लॉथ को क्या किया गया है, सिंपल है, ये देखिए उल्टा कर दिया गया है, क्लॉथ को के सी ओ एल सी लिख दिया गया है, रमेश को किसमें लिखेंगे, रमेशा को किसमें लिखेंगे, तो ए एच एस, अच्छा नहीं क्या पूछा गया, रमेशा को लिखा जाए तो नए शब्द में पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे, तो ए आर होंगे, ए आर, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, आर ए नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना, नए शब्द के पहले और अंतिम क्या होंगे, तो नए शब्द इस तरह से बनेगा ए एच एस ई, जल्दीबाजी में ही गलत होगा, आर ए तुरंत मारेंगे बच्चे, जनरली यही होता है जल्दीबाजी में जब आसान सवाल आता है, तो ए एच एस ई एम ए आर, अब ये नया शब्द बन गया, इसका पूछा गया पहला और आखिरी क्या है, तो इसका तो ए आर है ना, बी विल योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए किसी भाषा में कूट भाषा में ए को 2 लिखा गया है ना, बी को 4, सी को 6 है ना, मतलब 2 4 6 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो इसी तरह से ये किसका कोड होगा, मतलब पहले 12 फिर 10 फिर 10 फिर 8, मतलब देखिए अगर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14, पहले क्या बोला है 12, 12 मतलब एफ, एफ से एक ही स्टार्ट है, ए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए इंडस को क्या किया है, देखिए यहां भी अभी हम कोडिंग करने पड़े थे ना, ए का आई का 9, एन का 14, डी का 4, ऐसे नहीं 2 दे रखे हैं ऑलरेडी, तो हमें इसका ढूंढना है, एस मतलब क्या हो जाएगा, एस मतलब 5 हो जाएगा,
टी का मतलब क्या हो जाएगा, टेनिस, तो टी का मतलब दो हो जाएगा दो, पांच दो, देखिए पांच दो किसने दे रखा है, टी में दे रखा है, खत्म काम, नेक्स्ट आइए। अब फटाफट होके मजा आना चाहिए इसमें, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए देन का क्या हो गया है, टी एच ई एन, है ना, इसमें एक ही है मतलब, आर एल बी एस। देखिए टी कितने पर है, 20 पर, ये कितने पर, 18 पर, ये कितने पर, 8 पर, ये कितने पर, 12 पर, ये कितने पर, 5 पर, ये कितने पर, 2 पर, ये कितने, 14 पर, ये कितने पर, 19 पर। देखिए जल्दी हो गया क्या, देखिए माइनस दो प्लस चार माइनस तीन प्लस पांच, माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच। अच्छा जरा इसी घर में इसको करके देखिए, ए ई पी जे, तो माइनस दो क्या हो जाएगा। अच्छा किस शब्द को उसी, अच्छा किसको इसमें लिखा जाएगा, फिर वही वाली बात है इसमें, है ना। अब देखिएगा ए ई पी जे, तो क्या हो जाएगा, माइनस दो प्लस फोर माइनस तीन प्लस पांच। यहां भाषा को पढ़ना है, निम्नलिखित में किस शब्द को उसी कूट भाषा में इसके रूप में लिखा जाएगा, इसमें से किस चीज को कन्वर्ट करें या फिर रूपांतरित करें, तो इसमें लिखा जाएगा इस रूप में। अब देखिए माइनस दो अगर कितना आएगा, ये 3 माइनस 2 1 आया था ना, यहाँ सी हो जाएगा, तो सी में तो 3 में है, अब ये ए हो जाएगा कि 1 प्लस 4 मतलब 5, है ना। अब सी ए, तो सी ए सिर्फ डी में है ना। चलिए खत्म काम, बाकी नहीं मिलाना है हमको, खत्म। नेक्स्ट देखिए, निश्चित कूट भाषा में इनकम को देखिए, आई एन सी ओ एम ई, ठीक है, एच टी ई एन ओ जी, मतलब यहाँ क्या हो गया है, 9, 8, 14, 16, 3, 5, 15, 14, 15, 14, यानी -1 प्लस 2। -1 ये कितना है, एम ओ, एम 13 पर, ओ 15 पर, प्लस 2, ये कितने पर, 5 पर, जी 7 पर, प्लस 2। अच्छा -1 प्लस 2 प्लस 2, -1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है भाई आ जाओ सेविंग करते हैं। -1, अच्छा इसमें इसको किस, हाँ यहाँ ध्यान रखिए इसी को कन्वर्ट करना है, -1 एस 19 पर, ये 18 पर, यानी आर सब में दे रखा है, फिर +2 ए +2 ए 1 2 3, यानी सी आर सी 3 में दे रखा है, फिर +2 वी 22 पर, 22 2 24, यानी एक्स आर सी एक्स 3 2 में दे रखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं अभी, ठीक है। इसके बाद -1 आई के, आई 9 पे आता है, -1 8 एच अभी इसमें भी दे रखा है ना, ये भी इसका पी दे रखा है, दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन पी दे रखा है, लास्ट में जाना है हमें, तो लास्ट में क्या हुआ था, +2 हुआ था ना, जी का जी +2, जी 7 पर रहता है, ये 9 पर, यानी आई, आई 9 का मतलब क्या हो गया, आई 7 2 9 आई, ठीक है, यानी सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए, माइंड का सिंपल किया गया है, बहुत कठिन सवाल है, माइंड का आई एम डी एन, आई एम डी एन, इसी तरह से ए जी ई एम, ठीक है, ए जी ई एम, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये स्पेशल सवाल है थोड़ा, इसको है ना, इसको ये वो सवाल है एग्जाम में छोड़ने वाला, अगर किसी को आ जाए और लॉजिक समझा सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, ठीक है, वरना मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम भी छोड़ते हैं इसको, इसका कोई लॉजिक नहीं है, फिक्स लॉजिक नहीं है इस सवाल का, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, इसमें देखिए क्या किया गया है, रमेश, इसको रमेश को क्या किया गया है, आर ए एम ई एस एच, ये कितने पर है, 18 पर, ये कितने पर है, 1 पर, ये 13 पर, ये 5 पर, ये 19 पर, ये 8 पर। इसमें क्या किया गया समझ लीजिए पहले, इसमें क्या किया गया है कि जिस लेटर का जो अंक है वो सम है तो उसमें 2 जोड़ा गया है, जिसका विषम है उसमें 1 जोड़ा गया, जैसे 18 सम है तो इसमें +2 कर दिया जाएगा, 20, यानी टी आ जाएगा, आर एस टी, एक विषम है यानी 1 जोड़ा जाएगा यानी बी, ये भी विषम है एन, ये भी विषम है एफ, ये भी विषम है टी, नहीं आर के बाद एस आएगा ना, हाँ अभी तो है ये, अच्छा इसमें 2 जोड़ा गया ना, इसलिए 2 जोड़ा गया, सॉरी एस में 1 जोड़ा गया इसलिए टी हो गया है, तो
एच में देखिए 8 सम है, इसलिए इसमें कितना जाएगा, एच आई जे यानी जे 10 जोड़ा जाएगा, 2 हो गया ना, 8 2 10 यानी 10 का जे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए यही कन्वर्ट हो गया है ना। अब इसमें देखिए इसी तरह मिताली का देख लीजिएगा, हमें निकालना किसका, रणबीर का, रणबीर। वैसे बना नहीं होगा, अगर आपने खुद ट्राई किया होगा, ज्यादातर लोगों से नहीं बना होगा, जिससे बन गया बहुत अच्छी बात है। ये 18 पर है, ये 1 पर है, ये 14 पर है, ये 2 पर है, ये 9 पर है, ये 18 पर है। अब देखिए 18 यानी सम संख्या, 20 यानी टी, 1 विषम बी, 14 सम यानी 2, 14 16 यानी पी, और उसके बाद बी सम है यानी 2 प्लस 2 4 यानी डी, आई विषम है, 9 विषम है, तो 9 1 10 यानी जे, आर 18 टी। देखिए टी बी पी डी जे टी, ये देखिए सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कीजेंट को किस तरह लिखा गया है, तो अच्छा ये देखिए कीजेंट, पी ई ए एस ए एन टी, तो आर क्यू वाई डी वाई एच एन, इसमें क्या किया गया है देखिए, पहले ट्राई कर लीजिएगा आप, उसके बाद आइएगा। देखिए टी का आर क्या जाएगा, माइनस 2, एन 16 पर है, एन 14 पर है, ये 17 पर है, कितना हो जाएगा, 14 3 प्लस 3, ठीक है, ए कितने पर है, अगर मान लेते हैं इसको वाई है ना वहां पर, तो इसको 27 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 25 है यानी माइनस 2। देखिए माइनस 2 प्लस 3 फिर माइनस 2 हो जाएगा, नहीं प्लस 3 होगा, मतलब ये देखिए 19 पर है ना, 19 3 22, ये 22 पर आता है, तो प्लस 3 हो गया, यानी माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 चल रहा है। इसी तरह से आर का माइनस 2 कितना होगा, ये कितना है 18, माइनस 2 मतलब 16, यानी पी पहले क्या आ जाएगा, पी, फिर इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 3 हो जाएगा, 3 5 3 8, 8 मतलब एच, पी एच 2 में है अभी। देखिए फिर प्लस 3 हुआ था ना, अब माइनस 2, 8 पे है, 8 माइनस 2 6 यानी एफ, चलिए एफ हो गया भाई। देखिए पी एच एफ यहाँ भी है ना। अब सी में प्लस 3 होगा, सी 3 पर है, 3 प्लस 3 6 यानी फिर एफ। अब आर में माइनस 2, एन में माइनस 2 होगा, 14 माइनस 2 12 यानी L, देखिए C मिल गया ऑप्शन आपका, पी एच एफ एफ एल, ठीक है, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 का बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, लिटमस को देखिए, लिटमस एस एम आई इंडिगो, देखिए इसमें देखते हैं क्या किस तरह कन्वर्ट किया गया है। लिटमस को उन्हीं शब्दों में कुछ हेर फेर बदल कर रहा है ना, मतलब कैसा, देखिए ये कितने पर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या किया गया है, 6 पहले आ गया है, फिर 4 आया है, फिर 2 आया है, फिर 5 आया है, फिर 3 आया है, फिर 1 आया है, ठीक है। इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो पहले क्या आया है, 6। अब देखिए यहाँ हम लोग सीधे करते हैं, 6 आना चाहिए मतलब O आना चाहिए पहले, फिर क्या आना चाहिए, 4 यानी I, ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, 2 यानी N, ये सही आ रहा है ना। इसी तरह से हम लोग इसको भी कर लेंगे उसी कोड में, 1 2 3 4 5 6, पहले क्या आना चाहिए, 6 यानी R, फिर क्या आना चाहिए, 4 यानी G, फिर क्या आना चाहिए, 2 यानी A, फिर क्या आना चाहिए, 5 यानी E, R G A E, R G A E, यही है, ए ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कुछ करना नहीं था, बस अरेंज करके उसको उसी हिसाब, जिस हिसाब से यहाँ कन्वर्ट किया गया इसलिए 2 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, टेबल को हाँ ये देखिए, टेबल को वेंडी लिखा जाता है, तो चेयर को ये लिखा जाता है, तो बेंच को क्या लिखा जाएगा, यहाँ भी वही होगा क्या, देखिए डी का डी है तो डी ले लीजिए भाई, डी का यहाँ डी हो रहा है ना, ले लीजिए, ई का क्या है, आई, तो आई ले लीजिए भाई, ठीक है, एन, एन का क्या है, एल, अच्छा
नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर एल होता तो आ जाता, ठीक है, इसको वही करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसको, टी ए बी एल ई वी टी एन आई, ये क्या हो गया, प्लस 2 हो गया है, प्लस 3 हो गया है, प्लस 2 हो गया है, प्लस 3 हो गया है, नहीं प्लस 2 हुआ है, प्लस 4 हो गया है, ये 20 2 22 यहाँ 4 हुआ है, सॉरी 1 5 है ना, प्लस 4 2 4 प्लस 2 फिर 12 14 प्लस 4 प्लस 2 सॉरी, यहाँ पर 5 है और ये आई है 9, यानी प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 2 2 4। अच्छा जरा इसमें देखते हैं चेयर वाले में ये लागू हुआ है क्या, टी एच ए आई आर ई जे ई ओ टी, टी 3 पर, ये 5 पर, ये कितने पर, 8 पर, अच्छा, ये 10 पर। अच्छा देखिए जहां पर व्यंजन है वो सिर्फ प्लस दो होता गया, जहां पर वॉवेल है वहां पर उसका अगला वॉवेल आ गया है ना। इसी तरह से हम लोग जैसे देखिए ए ई है ना, ई आई, ए आई ओ यू होता है ना, इसी तरह से देखिए आई ओ है ना, इसी तरह से देखिए यहां पर बेंच मिलाइए, बेंच, तो यहां पर इसका ए ई आई, यहां पर आई पहले तो जाएगा, बी बी प्लस दो डी, एन प्लस दो 14 प्लस दो 16 यानी पी, सी 3 2 5 ई, 8 2 10 यानी जे, डी आई पी ई जे, डी आई पी ई जे, ये सी, सी विल राइट आंसर। अल्फा वॉवेल को अगला वॉवेल आ गया है, बाकी व्यंजन में प्लस दो होता गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब देखिए टेबल को एस वाई वाई एच जे में लिखा, जेड में लिखा गया तो चेयर किस तरह लिखा जाएगा, टेबल सिंपल हथियार लेके तुरंत खड़े हो जाएगा, ये वाई वाई एच जे, क्योंकि कोडिंग नंबर पता है ना आपको, बस खत्म, ठीक है, ये 20 पर, ये 19 पर, ये 27 पर, ये 25 पर, ये 28 पर, ये भी 25 पर, मतलब -1 -2 -3, ये 12 पर, ये 8 पर, -4, ये 5 पर, ये 26 पर, मतलब 25 6 31 31, ये -5 हो जाएगा, एक -1 -2 -3 ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 है तो -1 मतलब बी, -2 यानी 8 है यानी 6, 6 मतलब एफ, ठीक है बी एफ, देखिए यही है एक ऑप्शन बी एफ वाला, बाकी सब तो गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, कॉप यहाँ देखिए कॉपर को, अच्छा सिंपल है, देखिए पहला सी वही उतार दिया है, ओ का 15 कर दिया है ना, फिर पी को वही उतार दिया है, पी का अगला 16 कर दिया, इसी तरह क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे 15, डी का डी लिख देंगे, आई को 9 लिख देंगे, यू को यू लिख देंगे, एम को 13 लिख देंगे, एस 15 डी 9 यू 13, ये देखिए सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आइए वेटर को, एक जरा रुकिएगा जरा, हाँ ये भी वही भाई का सवाल है, ये भी छोड़ने वाले सवाल है, अगर किसी को जिससे बन जाए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिससे बन जाए वो लॉजिक समझा दे कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर बता दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि किस पैटर्न पर किस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए निश्चित कुल भाषा में समर को इस तरह लिखा गया, तो वही देखिए एस को एस लिख दिया गया, यू का 21, एम को एम लिख दिया गया, एम का 13 लिख दिया गया, इसी तरह क्या लिखेंगे, एक 21 टी 21 एम 14, एक एक के बाद देखिए ए 21 टी 21 एम 14, ठीक है 14, हाँ ए एम ए 21 सब में है, टी 21 ये भी है इसमें, एम के बाद 14 है, यानी सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब यहाँ देखिए जोकर को क्या लिखा गया है, जे ओ के ई आर, हाँ तो इसका के एन एल डी एस, इसको किस भाषा में किस अरेंजमेंट के हिसाब से कोड डिकोड किया गया है, जे का 8, ये 10 है तो ये 11 हो गया है, 15 है तो 16 हो गया है, 11 है तो 12 हो गया है, 5 है तो 4 हो गया है, और
18 है तो 19 हो गया है, प्लस 1 ये 14 है ना, माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से फनी वाले को देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो एफ ई एफ जी ये यू है ना, तो टी एन का एम एन ओ, एन का ओ नहीं एन का एम हो जाएगा, माइनस वन है ना तो एम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ये मिल गया बी ऑप्शन, जी टी ओ एम, जी टी ओ एम बी ऑप्शन मिल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए मोबाइल को वही चीज, एम का 13 कर दिया है, अच्छा मोबाइल को 13 लिख सकते हैं, अच्छा मोबाइल क्या लिखा है, 13 यू 2 ओ 12 आई, अच्छा ए ई आई ओ यू, ठीक है, ओ यू आई ओ ई आई, देख रहे ना ई आई, इस तरह से मतलब वॉवेल कनेक्ट कर दिया है और उसका बाकी जो व्यंजन है उसका नंबर कर दिया है। तो आईफोन कैसे लिखेंगे हम लोग, आई का ओ, पी का 16, एच का, ऐसे क्या हो जाएगा 8, ओ का ए आई ओ यू, एन का 14, ई का आई, तो ओ 16 8 यू, ओ 16 8 यू, ठीक है। ये रहा सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। देखिए मिस्टिकल को किसी कूट भाषा में इतना लिखा गया है, मतलब वही नंबर उतार दिया गया है। तो देखिए डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, 2 2 5 12 12, मतलब 12 12 लास्ट में होना चाहिए, फिर 25 2 13, देखिए यही हो गया है, सी विल बी राइट आंसर। मिला लीजिए इससे, वही उसके नंबरिंग लिख दी है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। यदि किसी कोड भाषा में डायमंड को ये लिखा गया है तो प्लेटिनम को, देखिए डी आई ए एम ओ एन डी एस, तो ई आई बी एम ई एन ई एस, अच्छा एक चीज देख रहे हैं आप यहाँ पे, हर दूसरा अक्षर वही सेम कर दिया गया है। तो यहां देखिए जरा कहां लिखो, यहां लिख देते, चलिए इसको एल कर देते हैं, इसको टी कर देते हैं, इसको एन कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बाकी हम लोग डी ई ए बी है ना, तो पी एम एन ओ पी क्यू ए बी आई जे यू वी, तो क्यू एल बी टी, क्यू एल बी टी, क्यू एल बी टी, ये देखिए ये है, यहाँ पर टी बी हो गया ना, ये गलत हो जाएगा, क्यू एल बी टी है, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कोड किया गया है एम ई ए जी आर ई जी टी आई सी जी ओ, तो एम कितने पर है, 13 पर, ये 7 पर, ई कितने पर है, 5 पर, ये कितने पर है, 20 पर, अच्छा, इसको जस्ट नीचे वाले से नहीं होगा, जस्ट नीचे वाले से नहीं होगा, देखिए ये ऐसे होगा एम ई ए जी आर ई, तो जी टी आई सी जी ओ, ये देखिए ई कितने पर है, 5 पर, ई कितने पर है, 7 पर, प्लस 2 हो गया, आर कितने पर है, टी कितने पर है, आर 18 पर, टी प्लस 2, जी आई 7 9, ये 7 है ये 9 है, तो प्लस 2, ए 1 पर, सी 3 पर, प्लस 2, ई 5 पर, ये 7 पर, प्लस 2, एम 13 पर, ओ 15 पर, प्लस 2, सब में प्लस 2 प्लस 2 हो गया है। एच का प्लस क्या हो जाएगा, 8 2 10, जे एस 19 पर है, 2 21 यानी यू जे यू, ठीक है। आई कितने पर है, 9 पर, 9 2 11 यानी के जे यू के 2 में है। देखिए बी कितने पर है, 22 पर, 22 2 24 यानी एक्स जे यू एक्स जे यू के एक्स, ये देखिए डी 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 मिल गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, टिशू को कोड भाषा 93 लिखा गया, सिंपल देखिए जोड़ दिया गया है ना, टी कितना है, 20 है, यहाँ देख लीजिए ऐसे जोड़ लीजिए, टी 20 है, आई 9 है, ये 19 19 है दोनों, इसको 28 लिख दीजिए सीधे,
यू कितना है 21 है, ये 5 है, तो 9 एक 10, 8 18 5 23 3 8 लगी 2, 3 2 5 2 7 2 9, 93 हो गया। अभी तरह रॉकेट का जोड़ लीजिए, 18 15, सी का 3, के का 11, ई का 5, इसका 20, ठीक है, 8 5 13 3, 16 1 17 5 सात पांच 12, 22 को 2 आसे लगी 2, 3 2 5 2 7 72, यानी डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, कर दिया है तो, अरे सिंपल उल्टा कर दिया है, ये देखिए, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई आर टी एन यू ओ सी, वाई आर टी एन, वाई आर टी एन ये दो में है, ये कैंसिल हो गया है, टी एन तो यू ओ सी, यहाँ वी है, ये भी कैंसिल हो गया, सी डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, अब यहाँ देखिए वही वाला फिर आ गया, गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये पहला लाइन है, यहाँ लिखते नहीं, यहाँ डायरेक्ट गेस करते हैं। देखिए, गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोनों कॉमन है। इसका सेकेंड वाला क्या किया गया, 4 5 6 7, इसमें 9 3, 9 2 3 4, मतलब 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और ब्यूटीफुल इसमें भी, ब्यूटीफुल इसमें भी है, मतलब ब्यूटीफुल का क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। पूछा किसका है हमें, व्हाट इज द कोड फॉर इनकरेजमेंट, अभी देखिए इनकरेजमेंट दूसरे में आया ना, ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट, अभी देखिएगा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट का कोड क्या है, 3 5 8 1। अब देखिए ये देखिए, अच्छा यहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखे, यहाँ देखिए आपको ब्यूटीफुल मिल गया ना 4, अब देखिए दूसरा लाइन लिख रहा हूँ मैं, ये वाली लिख रहा हूँ, है ना, इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, नहीं, ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट, ब्यूटीफुल पर्सन नीड इनकरेजमेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 5 6 7, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला क्या है, इनकरेजमेंट, वेरी इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्या लिखा है, 3 5 8 1। अब देखिए इनकरेजमेंट इसमें भी कॉमन है, इनकरेजमेंट इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तो क्या पूछा है, इनकरेजमेंट का ही पूछा है, तो 5 हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दो मिल गया ना, इसी लाइन में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब देखिए जुबिलिंग मीन केयरलेस, पूछा किससे हमसे, हेल्पिंग का पूछा है, हेल्पिंग, देखिए आईएनजी तो कहीं नहीं दे रखा है इसमें तीनों में, ठीक है, तो हम अगर हेल्प का भी ढूंढ लें तो मिल जाएगा हमें। देखिए यहां पर पहले, अब देखिए फुल है यहां पर हेल्प वाले में, तो फुल अगर इसमें भी कॉमन है, फुल फुल का क्या हो जा रहा है, फुल दोनों में है, तो दोनों में यहां पर कॉमन क्या है, कुकु, कुट कुट दोनों में कॉमन है, मतलब कुट का क्या हो गया फुल, अब हेल्प का क्या हो जाएगा, नॉल, मतलब नॉल से शुरू हुआ कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, हेल्पिंग नॉल, देखिए एक ही है नॉल से, ए ए हो जाएगा फिर नॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसमें देखिए जो ये सीरीज का क्वेश्चन है एक तरह से, ये इसमें क्या किया गया है कि जो इसका पहले वाले अक्षर का दहाई है और दूसरे वाले संख्या का दहाई आपस में घटा दिए गए हैं, इसका दहाई क्या है, 4, इसका दहाई क्या है, 2 -2 = 2, इसका दहाई क्या है, 7, इसका दहाई क्या है, 4 -4 = 3, इसका दहाई क्या है, 6, इसका दहाई क्या है, 4, 6 - 4 = 2, सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, गुलाब को पॉपी, सिंपल लास्ट पढ़िए क्या लिखा है, तो फूलों का राजा कौन है, फूलों का राजा गुलाब है, तो गुलाब क्या कहा जा रहा है, पॉपी, तो पॉपी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इसमें देखा करिए लास्ट में पूछा गया है, क्या पूछा है, तो फूलों का राजा कौन है, फूलों का राजा गुलाब बोलते हैं, तो गुलाब सीधे क्या शब्द बोला गया, गुलाब को पॉपी कहा जाएगा, तो पॉपी मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखिए मिनरेट, मिनारेट को ये लिखा गया है, तो बाई क्या लिखा जाएगा, देखिए MINARET, मतलब जे ये एम है ना, एम है, जे एफ के एक्स ओ बी क्यू, यहां पर इसको हमें टाइप करना पड़ेगा, ये 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14, ये 18,
ये 5, ये 20। हाँ कलर अजीब लग रहा है, रुकिए, ये कितना हो जाएगा, 10, 6, 11, x कितना है, 24, 15, 2 और 17। मतलब ये कितना किया गया है, -3 किया गया है, -3 किया गया है, -3, -3, अच्छा सब में -3 है, सब में -3 है भाई साहब। तो बी -3 कितना हो जाएगा, अगर बी कितना है 28, तो बी 25 यानी वाई, वाई से एक शुरू है ए। सिंपल कर लेते हैं हम लोग, एक ही मिला ले तभी आंसर आएगा पूरा, हम लोग पढ़ा लिया हम लोगों ने। चलिए देखिए अगला क्या है, किसी कोड में लीडर को, अगर लीडर को किसमें किया जाता है तो डीलर किसमें होगा, डीलर डीलर सीम समझना कि वो सब इधर उधर किया है ना। देखिए LEADER, NGPFGT। देखिए L कितने पर आता है, 12 पर, ये 14 पर, ये 5 पर, ये 7 पर, 1 पर, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 5 पर, 7 पर, 18 पर, 20 पर, प्लस दो किया गया है, तो डीलर कर लीजिए यहीं पर फटाफट से, फटाफट DALER, 4 2 6, 5 2 7, 1 2 3, 12 2 14, 5 2 7, 18 2 20, FGCNGT, FGCNGT। देखिए सी विल बी राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए अच्छा इसमें कुछ पेज था, जैसे बी ई आई एन जी। अच्छा इसमें देखिए पेज क्या है, ये देखिए इसमें ये पेज है, जैसे बी ई आई एन जी, 2 5 4 4 2। अब देखिए बी का 2, ई का 5 होता ही है, आई का 9 होता है, इसको 4 कैसे लिख दिया। इसमें ये रूल लिया जा रहा है कि कोई भी अंक हम 5 से ज्यादा नहीं लेंगे, अगर वो 5 से ज्यादा होगा तो उसको 5 हटा देंगे, जैसे 9 है आई का तो इसे 5 हटा देंगे, क्या जाएगा 4। तो देखिए आई का 4 ले लिया है, एन कितना है, एन कितना है 14, और अगर अगर 2 डिजिट वाला है तो उसका हम इकाई अंक ले लेंगे, इसका एन का 4 ले लिया है। जी कितने पर है, 7 पर, तो 7 से 5 हटा दीजिए 2 आ जाएगा, हालांकि ये सोचना मुश्किल है उस समय, लेकिन अब जो है तो देख लीजिए, 2 5 में 7 में 5 2 आ गया। अब देखिए इसी तरह से ह्यूमन करेंगे, देखिए ह्यूमन वाला कैसे होगा, इसको इससे कर लेते हैं, चलिए ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन कितना है 8, इसको 8 है ना, 5 घटाइए कितना जाएगा 3। अब ये कितना है 21, 21 का इकाई क्या है 1, एम का इकाई क्या है, एम का 13 है, इकाई क्या है 3, ए का 1, एन का 14, इकाई क्या है 4, 31, 31 4, 31, 31 4। ये देखिए ए विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अलमाइटी का कूट क्या है, 95। अलमाइटी मतलब 1, 12, 13, 9, 7, 8, 20, 25। अब देखिए 3 3 6, 6 9 15 7, 15 7 22, 22 8 30, 30 5 35, 5 ऐसे लगी 3, 2 2 4, 4 3 7, 8 9 95 जोड़ने का आ गया। इसी तरह से मी मेसिया देख लीजिए, एम का कितना हो जाएगा 13 5, एस एस 19 19 है ना, 19 19 38, आई 9, A1H8, तो 9 1 10 है ना, 10 8 18, 18 8, 8 8 16 होता है ना, 18 8 26, 26 26 5, 31 3 34, ठीक है 34 को 4 से लेके 3, 3 1 4, 4 3 7, 74। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है जोड़ लीजिएगा, तो आज का टारगेट पूरा हो गया अपना, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। जो क्वेश्चन ना आ रहे हो उसको दोबारा लगाने की कोशिश करिएगा, वीडियो 2 बार करके रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, अगर स्लो लग रहा हो तो 1.5 बार देख लीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मजा आया कि नहीं, क्वेश्चन स्पीड से हुए कि नहीं, क्वेश्चन ठीक से लेवल क्या था, है ना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, थैंक यू सो मच।